जल सप्लाई ते सैनिटेशन कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन पंजाब दी सूबा कमेटी दे फैसले तहत अज श्री मुक्तसर साहिब जल सप्लाई दे कामियां वलों पंजाब सरकार अते विभागी मुखी जल सप्लाई सैनिटेशन विभाग दा पुतला फूक के प्रदर्शन किया गया अते जम के नारेबाजी की गई। इस मौके जिला प्रधान बलजीत सिंह पट्टी अते जिला जनरल सकत्तर सुरजीत सिंह तक्खी अते मीत प्रधान जसवीर सिंह काला ने संबोधन करदे कहा कि विभागी मुखी जल सप्लाई सैनिटेशन विभाग वालों बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस राही कार्यकारी इंजीनियर नाल मीटिंग करके इनलिस्टमेंट आउटसोर्स ठेकेदारा कंपनियां आदि राही काम करते कामियां नूं पहलां तों मिलदियां तयशुदा तनखाहां नूं रोकण दे आदेश जुबानी दे दिते गए हन, जिस कारण कामियां नूं तनखाह ना मिलण कारण घर दे खर्चे चलाउणे औखे हो गए हन। इस दे नाल ही विभागी मुखी वल्लों हेठले अधिकारियां नूं इक होर पत्र जारी कीता है कि इस वेले काम कर रहे जां रिटायर हो चुके कुछ जिम्मेवार अधिकारियां ते कर्मचारियां वल्लों अपने नजदीकियां विचों तकरीबन 4000 दे लगभग ठेकेदार बना के उन्हां नूं हर महीने 25-30 हज़ार रुपए दिते जा रहे हन, जो कि यह पत्र बिल्कुल झूठा है क्योंकि इन्हां वर्करां विच ना तो कोई रिश्तेदार है अते ना ही 25-30 हज़ार रुपए प्रति महीना तनखाह दिती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों तक सहूलतां पहुंचाउण लई पंजाब सरकार दे अधिकारियों वालों सानू पहला ठेकेदारां अधीन बतौर आउटसोर्स मुलाजम निगुणियां तनखाहां उत्ते भर्ती किया गया सी। यूनियन वालों इन्हां कामियां नूं तजर्बे दे आधार उत्ते रेगुलर करन दी मंग करनी शुरू की, जो कि साडा हक है, पर विभाग वालों साडी निजी मंग दा हल करन दी बजाय सानू धक्के नाल इनलिस्टमेंट विच तब्दील किया गया, जबकि साडी जथेबंदी पंजाब सरकार अते विभाग तों मंग कर रही है कि इनलिस्टमेंट दे घेरे तों बाहर रख के साडे नाल बतौर कामियां वाला व्यवहार किया जाए। अज भी साडे संघर्ष दी इह प्रमुख मंग है। श्री मुक्तसर साहिब तों बलकरण सिंह खारा दी रिपोर्ट। वधेरे खबरां दी जानकारी लई देखदे रहो अजीत वैब टीवी। इहदा जी कारण इह आ, जिवें ही पुरानियां सरकारां दीआं नीतियां सी ते सरकार बदली आ, उह सरकार दीआं जिहड़ियां नीतियां बिल्कुल सेम आ। जे एक पासे सरकार आ जिहड़ी 35,000 मुलाजम पक्का करन दा, जिहड़ी मान सरकार आ 35,000 मुलाजम पक्का करन दा जिहड़ा ढंडोरा पिट रही आ, ते दूजे पासे रोज़ एक नवां फरमान जारी किया जा रहा कि कच्चे काम है जिहड़े उन्हां नूं जिहड़े लैसटमेंटां तों जिहड़े लैसटमेंट आउटसोर्स कंपनियां राहीं काम करदे आ जिहड़े वाटर सप्लाई दे विच, उहनां दे पोर्टल ते जिहड़े कोड चढ़े होए आ चरम आईडियां जिहड़ियां पिछे जे उह डिलीट करन दा फरमान किया गया सी। उस दिन असीं 29 तरीक नूं असीं हैड ऑफिस पटियाला दे विच धरना दित्ता, तो उस तो बाद एक पत्र जारी होया कि इन्हां दीआं जिहड़ियां कैटागरियां दसियां जाण। उस तो बाद एक हुण पत्र जारी होया डिपार्टमेंट वल्लों कि जिहड़े डिपार्टमेंट दे विच रिलेशनशिप दे विच जिहड़े वर्कर रखे हुए आ उन्हां दीआं लिस्टां भेजियां जाण, उन्हां नूं फारग किया जाए। तो एक पासे सरकार आ जिहड़ा सानूं रुजगार पक्का करन दा दावा करदी आ, दूजे पासे आ जिहड़े ये जिहड़े सरकार आ सानूं किसी ना किसी तरीके नाल कढ़न दे विच सानूं वध जिहड़ा हिस्सा योगदान पा रही है। ये सरकार नूं असीं दसना चाहुंदे आ कि असीं पिछलियां सरकारां दे सताए हुए लोग हाँ, क्योंकि असीं लंबे समय तो घट तनखाहां दे उत्ते इस महकमे नूं जल सप्लाई दे विच अपनियां सेवावां दे रहे हाँ, ते असीं सरकार तो पहल दे आधार ते मंग करदे हाँ कि सानूं महकमे दे विच लिया के पहल दे आधार ते रेगूलर किया जाए जी। अज्ज प्रोटेस्ट इस करके किया गया, इसने पिछले दिन ही पटियाले धरना भी लाया से HOD दी जिहड़ियां साडियां कैटागरियां जी उन्हां नूं आधार के ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ CM ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਤੀ ਪੈਨ ਚੱਲੂਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰਾ ਪੈਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਰਪੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ।
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।